हेलो फ्रेंड्स, बबीता ब्लॉग कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको टेस्टी नाश्ता बना के दिखाएंगे। हम कढ़ाई में एक कटोरी पानी चढ़ा दिए हैं और पानी गर्म हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी सूजी, सूजी को हम अच्छे से पकाएंगे। सूजी हमारी अच्छे से सूख गई है। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं। सूजी को मैं एक थाली में फैला दी हूँ, ये ठंडा हो रहा है। और तब तक मैं दो आलू कद्दूकस कर ली हूँ। अच्छे से उबला हुआ आलू कद्दूकस कर लेना है। चेक कर लेते हैं, सूजी ठंडा हो गया है हल्का सा। अब इसमें हल्का सा तेल लगा के हम पहले इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। अब हम इसको आलू में डाल के गूंथेंगे। इसको आलू में डाल के गूंथ लेंगे अच्छे से। आलू को सूजी को अच्छे से हम गूंथ लेंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल लगाते हुए ये शाम के चाय पे आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सुबह में भी ना बना सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं इसको। तेल लगा के गूंथेंगे तो अच्छे से चिपकेगा नहीं। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा के आप कोई भी शेप में बना सकते हैं इसको। ऐसे उंगली गोद के एकदम गोल शेप में आप बना देंगे तो अच्छा रहे। ऐसे सब हम बना के सारा आपको दिखा के मैं रेडी कर ली हूँ। अब चलिए इसको फ्राई करते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। चेक कर लूँगी कि फेल हुआ है कि नहीं। ये ऊपर आ गया है तो तेल गर्म हो गया है अच्छे से, आप देख सकते हैं। अब हम इसे डाल के फ्राई करेंगे।
एकदम ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है मेंदू वड़ा है। एकदम टेस्टी नाश्ता बन के रेडी हो गया है। नाश्ता बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं कितना टेस्टी नाश्ता, वो भी 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। आपके घर कोई गेस्ट आए तो आप ऐसे बना के उनको खिला सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।